आज के विश्लेषण से हम 1857 के विद्रोह के स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। ये 1857 का जो विद्रोह था, समकालीन इतिहासकारों ने इसे सिपाही विद्रोह नाम दिया, डिजरेली ने या उस जैसे अन्य लोगों ने संसद में बोलते हुए इसे राष्ट्रीय आंदोलन कह दिया। तो वैसी स्थिति में एक एम्बिगुअस स्वरूप हो गया इस विद्रोह का, जिसको कि समझना बहुत जरूरी है। आखिर ये विद्रोह था क्या, इसके लिए जो सो हम लोग जानना चाहेंगे कि अलग अलग विचारकों का क्या मत। सबसे पहले जरा सा देखें सर जॉन लॉरेंस का मत। इस मत के अनुसार कि ये विद्रोह में सैनिक विद्रोह छोड़कर कोई खास बात नहीं थी, और इसका मूल कारण सर जॉन लॉरेंस के द्वारा कारतूस बताया गया। सर सैयद अहमद खान इसी विचारधारा के समर्थक थे। अब इस पर जरा सा गौर कर लें, अगर ये सैनिक विद्रोह छोड़कर कुछ नहीं था तो वैसी स्थिति में वीर कुंवर सिंह महारानी लक्ष्मीबाई जो सो बख्त खां और बहादुर शाह जफर जैसे लोग क्या कर रहे थे। तो इस तरह का विचारधारा एक तरह से कहा जाए कि ये जो है सो विचार अपूर्ण है। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर, इनको जरा समझने का प्रयास करें। ये 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र मानते थे। मूलतः इसमें अवधारणा यह है कि यह षड्यंत्र मुस्लिम लोगों के द्वारा किया गया और इसमें हिंदू जो है सो शामिल थे। एक पक्षी था और जो है सो एक बायस्ड मेंटेलिटी इसमें साफ झलकती है। वस्तुतः जब सिपाही विद्रोह हुआ तो बहादुर शाह जफर को जो है सो इसका मुख्य जो है सो पुनः बादशाह घोषित कर दिया गया था सैनिकों के द्वारा। इसी बात को ध्यान में रखकर इस षड्यंत्र जैसी बात हम लोग जो है सो देखते हैं कि आउटरम और टेलर द्वारा कही गई। तब इसमें ये बात जो है सो अपूर्ण इसलिए है कि इस जैसा कोई विचारधारा हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र टाइप का कहीं भी किसी साध से प्रूफ होता हुआ नहीं दिखता। अब हम लोग देखें ईसाई मिशनरियों का या इवेंजेलिकल विचारधारा के लोग, ये लोग जो है सो मानते हैं कि ये ईश्वर द्वारा भेजी गई विपत्ति थी। तो फिर विपत्ति किसके लिए थी, ईसाइयों के लिए या किसी अन्य लोगों के लिए? तो यहाँ पर जो है सो इस तरह की विचारधारा के लोग जो है सो धर्मांध होते हैं और ये विचार किसी भी हालत में जो है सो माननीय नहीं है। एलईआर रीच मानते हैं कि ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। तो यह भी विचार जो है सो अधूरा है। ईसाइयों के विरुद्ध अगर सिर्फ युद्ध होता तो ईसाइयों का साथ देने के लिए भारतीय क्यों शामिल होते, चाहे वो रजवाड़े हो? और हम जो है सो अगर आप विश्लेषण करिए तो ईसाइयों के साथ अगर अंग्रेजों को ईसाई मान लिया जाए तो अंग्रेजों के साथ शामिल लोग जो इस विद्रोह को दबाने का काम कर रहे थे उसमें से अधिकांश जो है सो भारतीय थे। तो इस तरह से ये विचार भी जो है सो कोई मायने नहीं रखता। टी आर होम्स इसको सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष मानते हैं। फिर हास्यास्पद बात है, सभ्यता और बर्बरता, तो फिर कौन सब कौन बर्बर? जाहिर है टी आर होम्स की दृष्टि ये रही होगी कि वो जो है सो अंग्रेजों को सभ्य, भारतीयों को बर्बर मानते होंगे। तब इस पर भी विचार करना समीचीन है। अगर ईसाई सभ्य थे तो फिर निकल्सन और हडसन के द्वारा इलाहाबाद और कानपुर के क्षेत्र में जो है सो पेड़ों पर जो है सो भारतीयों को बिना जो है सो खता के और बिना कोई मतलब कहा जाए कि कोई कानून के फांसी दिया जाना, वो क्या बर्बरता नहीं थी? तो इसमें जो है सो संभव है कुछ भारतीय लोगों ने कुछ अंग्रेजों को मार दिया रहा होगा विद्रोह के दौरान, तो फिर जो है सो अंग्रेज भी उस बर्बरता के लिए उतने ही दोषी दिखते हैं। अब समकालीन
सांसद ने जब डिस्कशन हो रहा था तो बेंजामिन डिजरेली ने उसको जो है सो संसद में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। उन्होंने कहा था कि पूरे बंगाल से लेकर दिल्ली मेरठ तक अगर कोई विद्रोह हो सकता है तो वो बहुत छोटी सी बात, बहुत छोटे से सिपाही कारण या बहुत छोटे से कारण कारतूस में चर्बी होना, इससे संभव नहीं है। वो बेंजामिन डिजरेली अंग्रेजों को ये बताना चाह रहे थे कि ये निश्चित रूप से भारतीयों में एक राष्ट्रीयता का रुझान है। इसलिए उन्होंने जो है सो संसद में बोलते हुए कहा कि ये आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह है। विनायक दामोदर सावरकर ने इसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना है। विनायक दामोदर सावरकर 1909 में अपने ये विचार प्रस्तुत कर रहे थे। तो विनायक दामोदर सावरकर की दृष्टि दूसरी ओर थी। वो चाह रहे थे कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो उस समय तक जो गति पकड़ रही थी, उग्रवादी विचारधारा और क्रांतिकारी आंदोलन वाली विचारधारा, तो उसको वो एनहांस करना चाहते थे, एक्सिलरेट करना चाहते थे। वो चाहते थे कि उन्हें कुछ वैसे हीरोज मिले, वैसे जो है सो लोग मिले जिनकी प्रेरणा से वर्तमान उस समय का राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित किया जा सके, उसे उत्प्रेरण दिया जा सके। तो वैसी स्थिति में विनायक दामोदर सावरकर उन 1857 के नायकों को हीरो के रूप में प्रस्तुत करना चाह रहे थे, जिसमें कि वो एक तरह से बाबू कुंवर सिंह और झांसी की रानी जैसे लोगों को स्थापित करने में सफल भी हुए। इस विषय में सबसे गंभीर अध्ययन जो था वो सेन और मजुमदार का ही माना जाता। डॉक्टर एस एन सेन का मानना था कि आंदोलन एक सैनिक विद्रोह के रूप में आरंभ हुआ, लेकिन ये सेना तक सीमित नहीं था, इसमें कई वर्ग बाद में जुड़ते रहे। और अगर इसे सैनिक विद्रोह तक ही सीमित रखा जाता तो ये भी यहां पर विचारनीय है कि सेना का पूरा हिस्सा इसमें शामिल भी नहीं हुआ था, कुछ खास सैनिक लोग इसमें शामिल थे। उसी तरह से मिलते जुलते विचारों का जो है सो प्रस्फुटन आरती मजूमदार के डिस्कशन में, विश्लेषण में है कि यह सैनिक विद्रोह ही था, हालांकि कुछ क्षेत्रों में जनसाधारणों ने भी इसका समर्थन किया था। तो सेन और मजूमदार इसे मूलतः सैनिक विद्रोह ही मानते हैं। वहीं एसबी जोशी का मानना है कि जो है सो बहुत सारी ऐसी ताकतें जो अपना अस्तित्व खोती जा रही थी, वह पुनः अपनी सत्ता को प्राप्त करने के लिए अंतिम रूप से लड़ रही थी। नेहरू का भी मानना इसी तरह से था। सामंतों के द्वारा किया हुआ विद्रोह मानते थे और सामंतवादी शासन की पुनर्स्थापना उसका उद्देश्य मानते थे। इतिहासकार एसपी चौधरी ने इस आंदोलन को एक नई दृष्टि से देखा। उन्होंने अपने अध्ययन के दौरान पूरे बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक के किसानों और अन्य दस्तकारों, मजदूरों को भी इस आंदोलन में शामिल बताते हैं, और ये जो है सो मानते हैं कि जो है सो इसमें सारे लोग शामिल थे। यह विचारधारा अभी और डिस्कशन की जरूरत है इसमें, और इसमें अभी और साक्ष्यों को जुटाने की भी जरूरत है। इस प्रकार हम जो है सो अगर निष्कर्ष के रूप में पहुंचे तो मान सकते हैं कि यह सैनिक असंतोष से आरंभ होने वाला एक विद्रोह था, जिसमें सभी वर्ग जो अंग्रेजों के प्रति असंतुष्ट थे उसमें धीरे 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 शामिल होते गए, चाहे उनके उद्देश्य अलग थे, लेकिन अंतिम रूप से उनका उद्देश्य अंग्रेजों को हटाना ही रह गया। आशा है इस विश्लेषण के माध्यम से आप जो है सो इस स्वरूप को समझ पाए होंगे 1857 के विद्रोह को। धन्यवाद।